अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं चटखारा बोटी और उसको महफूज करने का तरीक़ा दिखा ले रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे साथ रहिए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखकर आप भी बनाइए। चलिए, इसको पहले गोश्त ली मैं, गोश्त को बारीक छोटे छोटे पीस कट कर ली। हड्डी नहीं लेना, बगैर हड्डी वाला गोश्त लेना। उसके लिए ली एक छोटी प्याज। आप प्याज डाल लें तो डाल लीजिए, या नहीं तो ऐसे भी बना ले सकते। इसमें डालने वाले मसाले दिखा रहा हूँ। उसमें है चाट मसाला, गरम मसाला, शाजीरा गरम मसाला, लौंग, इलायची, शाजीरा पिसे हुआ है, काली मिर्च, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर। अब इसके बाद हम इसमें डाल लें कॉर्नफ्लावर, कलर, चिली फ्लेक्स, धनिया को थोड़ा दरदरा पीस लेना। पीस लेने के बाद इसको बना लेंगे। कुकर लीजिए, उसमें गोश्त डाल लीजिए, बिस्मिल्लाह। प्याज, अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच दही। अब सब मसाले डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसको थोड़ी देर गलने रख लेंगे, 3 या 4 सीटी होने तक गला लेंगे गोश्त को। गोश्त ज़्यादा गला नहीं, मीडियम में रहना। आप चाहे तो एक आधा घंटा भी रख ले सकते, या नहीं तो ऐसे भी बना लीजिए। देखिए, गोश्त गलने के बाद निकाल ली मैं इसको। इतना गलना आपको दिखाता हूँ मैं। तोड़ने के बाद बोटी टूटना, इतना गलना, ज़्यादा भी नहीं गला लेना, बस इतना ही गलना। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। पहले थोड़ा ठंडा कर लेना। ठंडा कर लेने के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लेना। गरम में नहीं डाल लेना, ठंडे में डाल लेना। गरम में डाल लिए तो गरम से इसको लग के पकता आता हो। ठंडा हो गया, इसमें मैं डाल ले रहा हूँ चिली फ्लेक्स, बिस्मिल्लाह। धनिया, कुटा हुआ धनिया आपको दिखाई थी ना, कॉर्नफ्लावर, उसमें कलर। थोड़ा थोड़ा डाल लेना, ज़्यादा नहीं डाल लेना। आपको कम लग रहा तो फिर थोड़ा डाल ले सकते। ये बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है ये रेसिपी, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी। बना को खाने के बाद आप कमेंट करें कैसा लगा, बताइए आप। चलिए, इसको पहले तल लेंगे हम। मैं पहले से तेल गरम करने रख ली थी, अब इसमें डाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। एक एक बोटी डाल लीजिए आप, खुला खुला डालना, अलग रहना है बोटी। एक साथ डालने से एक दूसरे को चिपकता। सो मसाला लगाने के बाद आप जितने दिन चाहे उतने दिन डीप फ्रीज में रख ले सकते हैं। हम कॉर्नफ्लावर, धनिया लगा लिए ना, लगा लेने के बाद एक डब्बे में पैक करके रख लीजिए। आपका दिल जब भी चाहता जब तल के खा ले सकते हैं।
बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, सफ़र पे है तो आप सफ़र में रख ले के जाइए, ख़राब नहीं होता। तलने के बाद कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हैं, आप स्टोर करके भी रख ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी। 8 से 10 दिन तक डीप फ्रीज में रख के जब भी दिल चाहता आप तल लेकर खा लीजिए। देखिए कलर भी अच्छा आता और टेस्ट में भी अच्छा रहता है। लीजिए तैयार है चटकारा बोटी, आप कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा कलर रहता है। कड़क भी है ये और खाने में भी अच्छा है, कैसा लगा आप बताइए। अल्लाह हाफिज़।